Severe to severe as it moves towards coastal Bangladesh. Heavy rains and gale winds lashed coastal West Bengal throughout the day. 2 lives have been lost, 1 each in Bengal and Odisha due to the heavy rain triggered by the storm. Meanwhile, about 200 people have taken shelter at Sagar Pilot Station of Kolkata Port Trust. People from the storm-stricken villages were served food by the commander and pilots. Rabir Pradhan joins us from Odisha with more details on cyclone Bulbul. Pradeep, what can you tell us about क्या इस वक्त माहौल है वहाँ पर cyclone Bulbul के आने के इंतजार में? देखिए, साइक्लोन बुलबुल के दौरान ओडिशा में बालेश्वर, केंद्रापड़ा और जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखिए कि ज़्यादा बारिश और तेज़ तूफान आने के दौरान यहाँ पर बड़ा बड़ा पेड़ गिर चुका है और जो इलेक्ट्रिसिटी तो पूरा गोल है और जो बड़ा बड़ा जो पेड़ गिरने के दौरान यहाँ पर कम्युनिकेशन भी पूरा ठप है। अभी अब चिंताजनक बात है कि यहाँ पर जो क्रॉप डैमेज हुआ है ये सबसे चाषी जो यहाँ पर है वो चिंतित है। तो अभी हम आपको ले चलते हैं कि जो यहाँ पर जो ओड्राफ और NDRF टीम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जो भद्रक हमारा ये भद्रक की धामरा एरिया में है, हम अभी ओड्राफ और NDRF टीम ने अभी रेस्क्यू कर रहे हैं कि ये देखिए कि आप जो बड़ा बड़ा जो पेड़ गिर चुका है, इसीलिए अभी कम्युनिकेशन पूरा बंद है, वो बंद हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी लास्ट 2 दिन हो गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी गोल है। तो कुछ बात करेंगे जो ओड्राफ टीम के जो लीडर है, कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। और चिंतित बात है कि यहाँ पर जो क्रॉप डैमेज हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है कि क्रॉप जो डैमेज हुआ है। पूछते हैं कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां का जो बात करेंगे। सर, अभी कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा पेड़ गिर चुका है? कैसे सर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सर अभी? जी सर, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सर अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सर। ओके, देखिए अभी जो उड़ीसा की बालेश्वर, केंद्रापड़ा और जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये अभी देखिए बड़ा बड़ा पेड़ जो गिर चुका है, बड़ा पेड़ गिरने के बाद अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद अभी जो कम्युनिकेशन जो कि रिलीफ हो या जो भी पॉलिथीन उसको पहुंच जा सकता है। तो अभी NDRF और ओड्राफ टीम में अभी रेस्क्यू चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहत कार्य और बचाव कार्य अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए ये अपडेट्स लाने के लिए। फ्रॉम द ईस्ट वी शिफ्ट फोकस नाउ टू वेस्टर्न इंडिया। शिवसेना हैज स्लैम्ड द बीजेपी इन अ पार्टी माउथपीस एडिटोरियल सामना. Shiv Sena criticized the BJP President Amit Shah for the collapse of the alliance and compared the Bharatiya Janata Party to the